क्योंकि आदमी को भय लग गया। तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता और ठीक करता, लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मंदिर हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी चाहिए। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उच्च स्तर पर हैं। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो रहे, लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पर अगर चलना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ चढ़ने और उस डोर को ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते हैं। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो। पर ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं, सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते हैं और कहते माँ हमारी तो कुछ गलत नहीं हो। अरे होगी क्या कि जब तुम डोर ही उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती, इस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, डर डर आप नीचे चले, वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ, नीचे आने ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो खुद बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है, आप सीधे चले आइए बोली सर। कोई उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता, इसको अगर आप समझ लो इस बात को तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। कल कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखते। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि ना ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूँ, अगर नजर नीचे रखी तो वो चले आए हैं। नजर हमेशा ऊपर आनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आती है, इनकी भी नजर ऊपर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ही ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख, बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि अपनी जड़ों को कैसे बैठा, पहले अपनी जड़ को संभाल लेता है, और जड़ को संभालने के लिए ये क्या करता है, जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त, इसमें यह घुसा चला है, और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए शक्ति, उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींचने लगा, और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बनाता है। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा, माँ को अत्यंत समझ और इसी सहस्त्रार को समर्पण करना।